भाइयों और बहनों, भारतीय राजनीति में लंबे समय तक आरोपों की, आक्षेपों की राजनीति चली है। बीते वर्षों में भाजपा ने इस गंदी राजनीति को बदला है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। इस बात की गवाही इस साल के शुरुआती तीन महीने में भी दे रहे हैं। अभी अभी मैं बेंगलुरु से व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करके आ रहा हूं। इससे पहले तुमकुरु को एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री मिली, शिवमोगा एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्मों से एक कर्नाटका को मिला, बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ, नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ, आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ, जल जीवन मिशन के तहत दर्जनों प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथियों, गिनते ही रह जाएंगे लोग, क्योंकि ये दिन रात काम करने वाली डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज तक गरीब की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। सिर्फ 3.5 वर्षों में ही लगभग 40 लाख नए नल कनेक्शन कर्नाटका में दिए गए हैं। इससे माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान हुआ है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका भी बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के लोगों को, मेरे किसान भाइयों बहनों को होने वाला है। साथियों, जब डबल इंजन सरकार नहीं होती है तब क्या होता है, इसका उदाहरण पीएम किसान सम्मान योजना में है। साल 2019 में जब केंद्र की भाजपा सरकार ने योजना शुरू की, तब यहां कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी। बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस जेडीएस ने बहुत कम किसानों के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार बनी तो उसने कांग्रेस और जेडीएस की गलतियों में सुधार किया। आज कर्नाटका के करीब करीब 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक दावणगेरे के भी 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को भी लगभग 350 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुझे खुशी है
सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उसमें और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही है। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। साथियों, दावणगिरी जिले में तो संत सेवालाल महाराज जी की जन्मस्थली है। संत सेवालाल महाराज जी ने बंजारा समुदाय की लड़ाई लड़ी। इसी वर्ष बुम्बई जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बंजारा समुदाय के परिवारों को हक्कू पत्र देने की शुरुआत की है। हमारा जो मंत्र है, दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो वंचित है, उन वंचितों को वरीयता, वंचितों को प्राथमिकता, ये हमारे हर कदम में नजर आती है, ये हमारे संकल्प को दिखाता है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों से कर्नाटका को हमेशा नुकसान हुआ है। इसलिए कर्नाटका के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है। आप बताइए भाइयों, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो हमारे कर्नाटक का हाल बुरा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब कर्नाटक को मजबूत स्थिर सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत बहुमत वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, अब पहला काम कर्नाटका को ये जोड़ तोड़ की राजनीति से बाहर लाना है, हमारे कर्नाटका को तेज गति से आगे ले जाना है। और इसलिए भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार, ये कर्नाटका के लिए आज समय की मांग है। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है। जरा मेरे कर्नाटका के भाई बहन बताइए, क्या कर्नाटका चाहता है कि मैं भी